हेलो एवरीवन गुड इवनिंग अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं और अगर मेरा कैमरा विजिबल है प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए ओके गुड यस थैंक यू ओके कहाँ कहाँ से जुड़े हैं सब बताइए चलिए एक बार देख लेते हैं गुड थैंक यू थैंक यू एवरीवन कंफर्मेशन के लिए अर्जुन इंदौर नोएडा गुजरात अमरावती राजेश ओके okay. कोल्हापुर मैंगलोर अविनाश पुणे से ओके okay. गुजरात दिल्ली, उत्तर प्रदेश औरंगाबाद और गुड गाइस, थैंक यू थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, कर्नाटका सूब्रमण्यम ओके okay. चलिए आज हमारा तीसरा वेबिनार है इस महीने का ओके okay. दिल्ली, सतारा गुड ओके okay. चलिए स्टार्ट करते हैं स्लोली हम आज का ये वेबिनार है जैसे मैंने बोला हमारा तीसरा वेबिनार है गाइज ये चौदह नवम्बर हर मंडे हम वेबिनार करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास अगर आपने रजिस्टर किया होगा तो आपके पास ईमेल आ जाएगी सेवन टू ट्वेंटी एट नवम्बर ये हमारी जो सीरीज है मंडे वेबिनार की सीरीज है जो टिकमिल के साथ हम यहाँ पर कर रहे हैं और जस्ट यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको बताना चाहूँगा पहले एक कि आप जो भी यहाँ पर हम सीख रहे हैं जो भी यहाँ पर एडवाइस ले रहे हैं जस्ट उसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए ये एजुकेशन के पर्पज के लिए है आप यहाँ से कुछ सीख सकें और फिर कुछ जब अपने एक्सपीरियंस के साथ फिर उसको अप्लाई कर सकें और यहाँ पर आज मैं आपके साथ अपने सेटअप अगर मैंने कुछ सेटअप लिया था मैंने कोई ट्रेड लिया था वो आपके साथ शेयर करूँगा कुछ नए ट्रेड सेटअप हम देखेंगे कि कुछ नए सेटअप मिल रहे हैं नहीं क्या मार्केट का बिहेवियर था किस तरीके से वो सब चीजों को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे तो मुझे बताइए अगर किसी ने आज कोई ट्रेड लिया प्रॉफिट में गए या लॉस में गए किस पेयर में ट्रेड लिया अगर नहीं लिया कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आज मंडे का मार्केट रही यूएसडी स्ट्रांग था आज या यूएसडी वीक था ओके जीपी वाई वाई सेल किया आपने वन गोल्ड फोर आवर में बाई किया नेक्स्ट आई यूएसडी वीक था गोल्ड ओके okay, और किसी ने कोई ट्रेड लिया हो ओके वन लॉट फाइव डॉलर प्रॉफिट जेपी राजेश ओके जीतेज जीबीपी यूएसडी में बाई किया आपने ओके लंदन सेशन में स्ट्रॉन्ग था डेफिनेटली मार्केट में यूरो आपने देखा होगा यूएसडी में फिर वीकनेस मिली थी जी बी पी वाई बाई किया है बुक प्रॉफिट गुड कंग्रेचुलेशन सेलेस आपने अगर बुक कर लिया है जीबीपी यूएसडी सेल गुड ओके यूरो यूएसडी सेल फोर आवर में क्या था पेपर ट्रेड यूएसडी में पिप्स कोई बात नहीं मितेश अगर आप पेपर ट्रेड भी कर रहे हैं तो आप एक अपना एटलीस्ट एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं पर उन चीज को जर्नल करते जाइए जो भी आप कर रहे हैं भले ही आप उसे पेपर ट्रेडिंग में कर रहे हो या रियल में कर रहे हो जब तक आप उसको जर्नल नहीं करेंगे आप उससे कुछ सीखेंगे नहीं ठीक है जो भी करें और फिर देखें आप तीन से छह महीने आपने क्या सीखा क्या मिस्टेक करिए उनको फाइंड आउट कीजिए अखिलेशन okay. yes, okay. जीरो पर शेयर करता हूँ जो ट्रेड मैंने लिया था आ, यहाँ पर आपके साथ अखिलेश के एन आर तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिया था यूरो जीबीपी में मैंने यूरो जीबीपी में मैंने यूरो को शोट किया था जीबीपी के अगेंस्ट में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लंदन सेशन का ट्रेड था जो यहाँ पर मैंने इसको शोट किया था टारगेट था कि ये नीचे तक जाए नहीं गया है इसमें मैंने 300 तक के आसपास का प्रॉफिट इसमें बुक किया था ऑलमोस्ट uh, 400 डॉलर के आसपास जो 390 आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा क्या मेरी यहाँ पर साइकोलॉजी थी किस तरीके से मैंने इसको ट्रेड लिया आप इससे क्या सीख सकते हैं और आपके क्या ट्रेड रहे होंगे वो मैं यहाँ पर सब कुछ आपको बताऊंगा ओके okay, नितेश महारे नोटबुक बनाना है डेफिनेटली नोटबुक बनाइए जब तक बनाएंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं तो ऐसे ही करते रहेंगे कितने साल निकल जाएंगे कुछ पता नहीं चला और कहेंगे कि फिर तीन चार साल बाद मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है मैं लॉस में रह रहा हूँ जब तक नोटबुक जर्नल नहीं करेंगे प्रॉब्लम आती रहेगी ठीक है अभी के लिए गैस आप होपफुली आपको स्क्रीन दिख रही होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो करेंसी में स्ट्रेंथ है आप देखिए जैपनीज एन अब पूरी तरीके से यहाँ पर वीक होना शुरू हो गया है ओजी में स्ट्रेंथ है और यूएसडी में भी आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं पर जेपनीज एन एन में थोड़ी यहाँ पर वीकनेस आपको दिख रही है Uh, नितिन कुमार uh, सर नाउ डेज फंडामेंटल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखिए फंडामेंटल इम्पोर्टेंट तो है ही है कि करेंसी की फंडामेंटल्स क्या है और वो कहाँ करेंसी को लॉन्ग टर्म में लेके जा रही है पर अगर आप जब इंटरडे के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो वो न्यूज का इम्पैक्ट किस कितनी देर के लिए रहता है और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं मार्केट में तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं क्या आप ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं फिर तो आपको पूरे जो उस कंट्रीज के इकोनॉमिक्स हैं स्टैट्स हैं उन सबको मेजर uh, करना होगा ट्रेस करना होगा और फिर उसके बेस पे ट्रेडिंग करनी होगी नहीं तो फिर जो न्यूज आती है उनको या तो अवॉइड करें आप न्यूज बेस पे ट्रेडिंग ना करें या फिर स्कल्पिंग करें कि न्यूज के दौरान आप ट्रेडिंग करें तो डिपेंड करता है हर एक चीज के लिए हर एक ट्रेडिंग के अपने अपने अलग रूल्स हैं किस चीज को आप फॉलो करें डेफिनेटली न्यूज ड्राइव करती है मार्केट को कि किधर जाना है एकदम से मार्केट में वॉल्यूम आएगी वॉल्यूटिलिटी आएगी बायर्स आएंगे सैलर आएंगे जब तक बायर सैलर नहीं होंगे मार्केट कहीं नहीं जाएगी ठीक है तो ये चीजें तो हमें चाहिए और हम चीज़, इन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए जब भी आप देखें आज अगर आ, न्यूज की बात करें तो आज कोई मेजर न्यूज नहीं थी आपने मेरा फोरकास्ट का वीडियो भी देखा होगा तो मंडे को कोई खास न्यूज नहीं थी वहां पर मैंने आपको बताया हुआ था ठीक है अभी जस्ट यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा गाइज कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि टिकमिल में आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या नहीं और क्या कैसे वहां पर पेमेंट कर सकते हैं तो वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा टिकमिल के लिए मेरे पास काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि आ, मैं यहाँ पर वेबिनार कर रहा हूँ पर क्या इसके साथ हम डिपॉजिट या विदड्रॉल यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था तो अगर आप यहाँ पर जाएं टिकमिल के आप होपफुली आपको टिकमिल यहाँ पर यह स्क्रीन दिख रही होगी टिकमिल और डिपॉजिट वैलेट पेमेंट मैथड Just यहाँ पर एक दो मिनट के लिए आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जो क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि पेमेंट क्या मेथड क्या है डिपॉजिट विद्रॉल के लिए तो यहाँ पर जब आप अपने वैलेट में जाए डिपॉजिट के लिए क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको काफी ऑप्शन मिलते हैं इसमें से आप जो भी चूज करना चाहें इसमें से एक मेन है जीटोन वैलेट यहाँ पर आप अकाउंट बना सकते हैं जीटोन वैलेट पर वेबसाइट पर जाए अकाउंट वहाँ पर आ, बना लीजिए और वहां पर यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट हो जाएगा और फिर वो जो भी बैलेंस आपका जिटॉन वैलेट में होगा आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं तो मिनिमम आपका आठ हजार के आसपास मतलब कि सौ डॉलर इतना डिपॉजिट कर सकते हैं तो यूपीआई के थ्रू जिटॉन वैलेट के वाया वहां से डिपॉजिट कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है स्मार्ट इंडिया पे यहाँ पर भी आपके पास बैंक के और यूपीआई के ऑप्शन है जो भी आप यूज कर सकते हैं हंड्रेड डॉलर मिनिमम है गूगल पे से भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और फोन पे से भी यूज कर सकते हैं तो जो काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या यूपीआई में आपका यू टिकमिल में यूपीआई के ऑप्शन है नहीं तो यहाँ पर मैं जस्ट क्लियर करना चाहता हूं आपको कि पहले की हाँ यहाँ पर आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और टिकमिल में ये जो मैंने प्ले लिस्ट है यहाँ पर बनाई हुई है आप मेरी यूट्यूब की वेबसाइट पर जा यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं टिकमिल ब्रोकर वहां पर डिपॉजिट विद्रॉल में ये करके बताया हुआ है कि कैसे डिपॉजिट विड्रॉल करना है वो आप देख सकते हैं अकाउंट नहीं है अकाउंट आप खोल सकते हैं अकाउंट के लिए भी यहाँ पर वीडियो बनाया है और ब्रोकर का रिव्यू भी किया हुआ है तो अगर आपको अकाउंट खोलना है मेरी मेंबरशिप में खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं कोई इशू आता है मुझे वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अभी के लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रेड के लिए हम देख रहे थे अभी जैसे एक बार हम देख लेते हैं फोरकास्ट से रिलेटेड हमारा कुछ कैसा मार्केट ने मूव किया यहाँ पर थोड़ी ग्रीन स्क्रीन दिख रही ग्रीन आपको दिख रहा होगा क्लियर नहीं होगा मेरे हिसाब से पर फिर भी अभी अगर फोरकास्ट के हिसाब से देखें तो अभी कुछ ज्यादा मूवमेंट हमें मिली नहीं है आप देखें मैंने जो बताया था उसके हिसाब से हमें नीचे की तरफ मिले तो आप देखेंगे तो सभी जगह पर हम पुल बैक के लिए अभी वेट कर रहे हैं ओजी में भी पुल बैक के लिए वेट कर रहे हैं एनजीडी में भी टॉप पर है या तो पुल बैक मिले या फिर स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जाए यूएसडी कैड में भी बोला हुआ है कि यहाँ पर ही इसी जगह पर रिटेचमेंट मिले या फिर स्टैंड लाइन को ब्रेक करे तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर बाइक देख सकते हैं जैपनीज में यहाँ पर बोला हुआ था कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं टारगेट इसी जगह पर देखिएगा तो मार्केट उसी डायरेक्शन में अभी थोड़ा यहाँ पर चल रही है पर ज्यादा बड़े टारगेट यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताए थे और जीपीपी जेपीवाई जी वाई यहाँ पर भी आप देखे सेम वही एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया था और इस जगह पे आकर दोबारा से पुल बैग देना शुरू किया है और जी जैपनीज यहाँ पर भी आप देखें पुल बैग एकदम से स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ ही यहाँ पर पुश है वो भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और यूएसडी फ्रैंक में अभी उसी जगह पर है कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है और यूरो जीबीपी आप देखें तो इस लेवल पर थी मार्केट यहाँ से नीचे और फिर एकदम से ऊपर तो मेरा जो ट्रेड है मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगा जो मैंने लिया इस बार यूरो जीबीपी के ऊपर दिया था तो फोर आवर में जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर अगर फोरकास्ट देखा होगा कि यहाँ पर हम हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी देख रहे थे पर मेरा ट्रेड उसके बेस पे नहीं था यहां पर मैं आपको बताऊं जो मेरा क्विक प्रॉफिट था वो थ्री फोर हंड्रेड डॉलर के आसपास था जो मैं क्विकली यहां पर इसमें आउट हो गया क्योंकि बाद में मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया नहीं तो यहां पर आप देखें आप यूरो जीबीपी पे देख रहे हैं ना चार्ट देख पा रहे हैं आई होप आपको क्लियर होगा यस ओके चलिए Uh, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट में जो मेरी एंट्री थी गायज वो थी वो इस ये जो ग्रीन कैंडल आप यहां पर देख रहे हैं इसके आसपास यहां पर मैंने एंट्री ली थी और आपकी मार्केट जो ओपन हुई थी वो इस लेवल पर यहां पर मार्केट ओपन हुई थी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ लंदन सेशन के आसपास उसके बाद मार्केट आप देखिए यहाँ से यहाँ तक गई थी तो यहां से आप देखें मार्केट नीचे जा रही थी ये आपका पुल बैक ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा था ठीक है तो ये कंटिन्यूसली ट्रेंड का ऊप था एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है इस लेवल पर जा रही थी तो जैसे हाँ हटा देता हूँ और अपनी यहाँ पर इसको ट्रेड की क्या मेथड था क्या स्ट्रेटी थी वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इससे कुछ यहाँ पर सीख सकें तो यहां पर आप देखें ये 15 मिनट में था मैं इसमें मैं इस ट्रेंड लाइन को यहां पर फोकस कर रहा था कि ये मार्केट में अगर जगह मुझे यहां पर ब्रेकआउट मिलता है क्यों ब्रेकआउट के लिए देख रहा था क्योंकि मार्केट एक बार यहां पर ये रेसिस्टेंस यहां तक दे चुकी थी और उसके बाद रिजेक्शन डाउन गया था और दोबारा से मार्केट इसी लेवल पर यहां पर पहुंच गई थी तो इस लेवल पर मैं शोट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था इसके अलावा अगर मैं आर में भी इसको देख रहा था मैं ज्यादा इंडिकेटर आपको नहीं बोलूंगा कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखें आवर में इसमें आप देखें ये जो आपकी मूवमेंट थी यहां तक मार्केट गई थी और दोबारा मार्केट ने इस लेवल को यहां पर टच किया पर यहां पर यहां पर पर हमें क्लियर डाइवर्जेंस मिली ठीक है तो ये थी कि मतलब कि इस लेवल पे मार्केट जा रही है और उसको दोबारा से उसको ऊपर लेकर नहीं जा पा रहे हैं तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको 15 मिनट में ऑब्जर्व करना शुरू किया गाइज कि अगर यहाँ पर ये यह ब्रेकआउट होता है आप देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ और मुझे यहाँ पर सेल मैंने यहाँ पर नहीं किया मैंने कहा कि मुझे रिटेस्ट करना है इस लाइन के आसपास अगर आपको रिटेस्ट मिलता है यहाँ पर मैंने इसको रिटेस्ट किया इसको मैंने शॉर्ट किया स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगाया था और टारगेट प्रॉफिट जो मैं देख रहा था अगर मैं बना और मैं आपको बताऊं जो टारगेट में देख रहा था पहला मेरा इसी लेवल पे था दूसरा यहाँ तक और तीसरा यहाँ तक तो ये तीन ट्रेड से जो यहाँ पर मैं देख रहा था तो इसमें जो था आप देखें ये एंट्री थी स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए और टारगेट प्रॉफिट आपका पहला जो था यहाँ पर 1.5 के आसपास इस लेवल पर यहाँ पर इसने दिया उसके बाद मार्केट एकदम से रिवर्स हो गई पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो यहां तक जाए वो मार्केट ने अभी यहाँ पर दिया नहीं तो इसीलिए जो थ्री फोर हंड्रेड पे दो ट्रेड यहीं पर क्लोज हो गए और उसके बाद उसको मैं ट्रेल कर रहा था और उसके बाद वो मुझको स्टॉप आउट कर गया तो जो लास्ट का जो आपने ट्रेड देखा होगा वो सो डॉलर का था बाकी वन हंड्रेड और इस तरीके से वो क्लोज हुआ है तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को मैंने इसको ब्रेकआउट करके देखा और ये ब्रेकआउट मिला दोबारा से इसने रिटेस्ट किया और इसको अच्छी एंट्री मिली और उसके बाद फिर देखिए मार्केट एकदम से पूरी तरीके से रिवर्स करके ऊपर गई है फिर उसके बाद मैंने यूएस में इसको ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं आज वेबिनार था तो मैं ऐसा ट्रेड नहीं चाहता जो बीच में रन कर रहा हूँ ओके सर थ्री हंड्रेड डॉलर पर लॉट साइज कितना था आपका और कितनी पिप्स का ट्रेड था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीयूस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं जो हुआ आउट यहाँ पर इसी लेवल पर यहाँ पर हुआ वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स एट इसी तरह से उसको ट्रेल करके मैं यहाँ पर आउट हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आ, जो आपकी यहाँ तो, तो रिवॉर्ड रेसो है वो ऑलमोस्ट टू वन के आसपास भी आप इसको देख सकते हैं ठीक है

इस लेवल के आसपास ये था जहां पर मेरी एंट्री थी जो एंट्री थी पहला स्टॉपलॉस जो आप एडजस्ट करेंगे वो अपनी एंट्री ताकि आप ब्रेक इवन पर उसको लेके आए पहले ठीक है ताकि आप ब्रेक इवन पर आ जाएंगे उसके बाद आपका कुछ रिस्क नहीं है मार्केट में ठीक है दोबारा से मार्केट ने यहां तक आई आप देखें यहाँ तक आई और इस लेवल को भी ब्रेक किया ठीक है फिर आपने अपना स्टॉप लॉस जो है इस लेवल पर लेके आ सकते हैं और उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो कोई भी एक एक कैंडल पे बेस पे आप उसको ट्रेल कर सकते हैं और जैसे आप देखें ये जो मूव एकदम से फिर ऊपर की तरफ हुआ था यहाँ पर मैं इसमें आउट हो गया था तो जब मैं एक एक कैंडल इसके बाद इसको ट्रेल करना शुरू किया तो क्योंकि डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है आप उसको आउट करना चाहते हैं या फिर ट्रेल करना चाहते हैं वो उस कंडीशन में मैटर करता है तो हर एक सिचुएशन अलग होती है डिफरेंट होती है ओके थैंक यू नितिन ओके आपने कोई ट्रेड लिया हो किसी ट्रेड को आप ऑब्जर्व कर रहे हो या अभी कोई ट्रेड सेटअप बन रहा हो आपके लिए हम देख सकते हैं अभी अगर जैसे आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी अगर आपने देखा होगा जो मॉर्निंग में आपका पूरी तरीके से स्ट्रांग रहा यहाँ से मार्केट गई फिर दोबारा से पर अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है पर मार्केट यहाँ पर सेलर बायर्स में एक तरीके से पूरी तरीके से आप कि फाइट चली हुई है वो उसको ज्यादा नीचे ले जाने नहीं दे रहे हैं और बायर्स भी एकदम से ऊपर आ रहे हैं देवेंद्र सिंह ओके गईज अगर यहाँ पर हम किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं कौन से पेयर में बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं और कौन से टाइम फ्रेम में है ठीक है विशाल मेहता तो देवेंद्र अपना पूरा बताइए किस टाइम फ्रेम में है इससे पहले मैं विशाल का देख लेता हूँ आप गोल्ड में कह रहे हैं आवर में कह रहे हैं बाई किया है बाई किया या नहीं किया पहले ये बताइए बाई कहां पे करना था रिटेचमेंट में मैंने बोला हुआ था ना अगर आप फोरकास्ट में जाए मैंने आपको क्या बोला हुआ होगा चलिए फोरकास्ट में चलते हैं गोल्ड पे आते हैं या तो इसी लेवल में मार्केट यहीं पर जिगजैक कर सकते हैं उसके ऊपर जाए या नीचे की तरफ आए तो लेवल जो था नीचे यहाँ पर बाय करने के लिए हमें देखना है ना इस लेवल के आसपास यहाँ नहीं की आप यहाँ पर अब इसमें बाय के लिए देखेंगे ठीक है विशाल तो बाय यहाँ पर नहीं देखना जब वो रेसिस्टेंस पे आ चुका है तो यही आप यहां पर देख रहे हैं अगर हम इस लेवल को अभी ऑर्गेनाइज करें ये यह आप यहाँ पर एक रेसिस्टेंस में आ गए और ये आपकी रेंज है तो जब मार्केट नीचे रिट्रेस करते हुए आ रही थी बाय कहाँ पर करना था यहाँ पर करना था और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए तो फिर यहाँ पर इसको देख सकते थे टारगेट प्रॉफिट अब यहाँ पर नहीं बाय करना है गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है देख ली अभी यूएसडी में क्या है वीकनेस आ रही है इतने टाइम से गोल्ड पूरा नीचे ही जा रहा था अभी आज गोल्ड ऊपर अब थोड़े दिनों से जाना ऊपर शुरू हुआ है पीयूष। आप देखें बाकी सभी पेयर भी यूरो जीबीपी सब नीचे जा रहे थे यूएसडी इतना स्ट्रांग था अब थोड़ी कुछ रिकवरी होना शुरू हुआ है अब ये कहना ये कहें तो क्वेश्चन ठीक रहेगा ओके सैलज फॉर ए टू फिफ्टी डॉलर अकाउंट व पोजिशन साइड शुड फॉलो सैलज टू फिफ्टी डॉलर का अकाउंट है पहले तो आप लीवरेज ज्यादा यूज नहीं करेंगे हंड्रेड या फिफ्टी की लीवरेज ज्यादा जा, लूज की इससे ज्यादा मत कीजिए और अपना रिस्क कम से कम रखिए जितना भी मिनिमम लॉट ले सके पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो टू इतने बड़े लॉट लीजिए इससे ज्यादा नहीं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा और फिर आप जल्दी ही अकाउंट को वॉश आउट कर देंगे ठीक है यूरो यूएसडी में पांच मिनट में सेल बन रहा है आकेश रग, आ, अखिलेश चलिए यूरो यूएसडी में पांच मिनट में देख सकते हैं ओके okay. आप कहें कि हम यहाँ पर टॉप में थे ठीक है ये रेंज हो गई यहाँ तक का आप इसमें सेल के लिए देख रहे हैं अब यहाँ पर आप डेफिनेटली इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए देखिए एक बार ठीक है कैंडल क्लोज होती है रेड पूरा कंफर्म जाती है डेफिनेटली आप सेल के लिए इसमें देख सकते हैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप यहां पर इसमें देख सकते हैं स्टॉप लॉस उससे ऊपर लगाइए और टारगेट प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर इसमें पहला आउट हो तो इस जगह पर होना चाहिए वन और अगर हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ देखेंगे तो इस लेवल पर आ सकते हैं पर मैं नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा इससे नीचे जाए तो वन का देखें अब देखिए क्या ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है या नहीं आप देख सकते हैं ठीक है तो ऑब्जर्व कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे तो देखेंगे अभी देखिए अगर आप 54, 53 सेकंड्स बची हैं तो कैंडल ज्यादा एकदम से ऊपर नहीं जाएगी पांच मिनट में भी अगर आप देखें अभी भी आप देखें तो कैंडल थोड़ा सा ही अगर टाइम बचा हो तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं ताकि आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करें तो यहां पर अगर आप इसमें शॉर्ट करना चाहें या कैंडल के बाद थोड़ा सा कुछ ऊपर की तरफ रिवर्सल मिले वहां पर शॉर्ट करें और आप इसमें टारगेट देख सकते हैं ओके अखिलेश ओके विशाल थैंक यू अजीत शर्मा सर जी आपने यूरो जीबी पे ट्रेड लिया है उसे फिर से बताएं प्लीज मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था अजीत कोई बात नहीं है ये यूट्यूब पर वीडियो आएगा कलिया परसों तक आ जाएगा आप वहाँ पर दोबारा जा सककर देख सकते हैं ठीक है ना मैं दोबारा रिपीट करूँगा बाकी के लोगों के लिए वो रिपीटेशन हो जाएगा तो दोबारा से देखिएगा इस वीडियो को ये यूट्यूब पर आ जाएगा कल या परसों तक वहां पर आप इसको देख सकते हैं ओके थैंक यू सैलिस जीबीपी यूएसडी वन आवर सेल सेटअप देखिए यहाँ पर आप इसको से, सेल कर रहे हैं स्टॉप लॉस यहां पर और टारगेट में कहूंगा यहां तक देखिए तो देख सकते हैं स्ट्रेट को बाकी इसको चलने दीजिए जीबीपी यूएसडी देख सकते हैं हम देवेंद्र सिंह वन uh, आवर में वन आवर वन आवर सेल सेटअप वन आवर में सेल का सेटअप पर बन रहा है जीबीपी यूएसडी में वन आवर में देवेंद्र मुझे नहीं दिख रहा है अभी अगर आप देखें तो मार्केट में आप डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं ठीक है और मार्केट पूरा यहाँ पर डाउन सेल की अपॉर्चुनिटी यहां पर देखेंगे या यहां पर देखेंगे जब आप सपोर्ट के आसपास है क्या किसी को यहाँ पर यूएसडी में सेल की अपॉर्चुनिटी दिख रही है वन आवर में हाँ ना नामे जवाब दीजिए बाकी सितवान नो नितिन नो मेहरूलाल नो ठीक है तो यहां से ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आप सभी को सुब्रमण्यम तो ठीक है देखिए सभी को एटलीस्ट ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ठीक है तो किसका क्वेश्चन था ये देवेंद्रा तो आप यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे आप गलत जगह पे फिर आप फिर आप कहेंगे कि अकाउंट वॉश आउट हो गया और आपका इतना सारा लॉस हो गया ठीक है गलत जगह पे शॉर्ट मत कीजिए सर करेंसी मीटर कौन से टाइम देखना अच्छा रहेगा देखिए डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर जो मेरी वेबसाइट पर जो आप स्ट्रेंथ मीटर देखते हैं वो उस दिन का होता है कि आज कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है बाकी करेंसी तो अगर ओ जी वी यहां पर देख रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है इतना स्ट्रॉन्ग है बाकी करेंसी के अगेंस्ट में अगर आप देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसके अगेंस्ट में है ये जैपनीज येपनीज के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग दा है और जैपनीज ज्यादा वीक है आज अगर JP, JPY को मैं देखूंगा तो बिल्कुल ही स्काई रॉकेट जा रहा पर अभी यहाँ पर बाइक के लिए नहीं देखेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देखिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है तो अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती यहां कहीं मिलती तो डेफिनेटली आप देख सकते थे पर अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे तो सचिन आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर कर पाऊंगा सर यूएस थर्टी कंडीशन प्लीज यू एस थर्टी कंडीशन समझाने में आपका क्वेश्चन क्लियरली नितिन जी बी पी एनजीडी सेल फॉर आवर जी बी पी एनजीडी सेल फॉर आवर जी बी पी एनजीडी फोर आवर में सेल जीवी में आप अपॉर्चुनिटी मिस कर गए फोर आवर में अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें अब सेल के लिए देखिएगा देखिए अब कहाँ पर आ चुके हैं है? हम अब सपोर्ट या लेवल पर यहां पर पहुंच चुके हैं काफी टाइम से ये इसी रेंज में चल रहा था इस रेंज के टॉप में आप इसको सेल कर देते फिर तो ठीक था पर अब ये इसको ब्रेक करता और नीचे जा रहा है अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें शॉर्ट अगर शॉर्ट करेंगे भी तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे टारगेट प्रॉफिट कितना बड़ा देखेंगे वो नहीं बन पाएगा हिमांशु सर प्लीज डू द एनालिसिस ऑफ यूएसडी फ्रैक यूएसडी स्विश फ्रैंक को देख लेते हैं हिमांशु फोर uh, आवर में चलते हैं बाय फ्रॉम आपने बाय किया है 0 .94583. 0 .94583. यहां पर आपने इसमें बाय किया टारगेट पॉइंट नाइन सिक्स वन नाइन वन यहां तक का टारगेट आप देख रहे हैं और आपने इसमें यहां पर बाय किया है और हमने फोरकास्ट में क्या देखा था इसमें यूएसडी फ्रैंक अगर आप देखें यूएसडी को देख लेते हैं गाइज एक बार आ, यहां पर मैंने कहा था गाइज कि हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे तो अभी जो है सपोर्ट लेवल पे आप इसको रिट्रेस करना चाह रहे हैं वो देखना देख सकते हैं पर यूएसडी में अगर आप देखें बाकी पेयर्स में अगर हमने देखा जस्ट ये आपको दिखाना चाहूंगा अभी यूएसडी में क्या स्ट्रेंथ है यूएसडी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ है तो ये जाएगी पावरफुली आपका ट्रेड नहीं बनेगा आपको टाइम लगेगा इस ट्रेड को अगर ये जाएगा भी तो ऊपर की तरफ टाइम देना पड़ेगा आप इसको बार बार ना देखें स्टॉप लॉस लगा दिया आपने लगा दीजिए ये रिट्रेशमेंट देख सकते हैं ऊपर की तरफ मिलता है या नहीं नहीं तो ये कंटिन्यूसली ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा सकता है पर हम सपोर्ट के पास हैं तो टाइम लगेगा अब इसमें देखिए कितना जिग जैक करके इस तरीके से जाए ओके पर आइडल सिचुएशन नहीं है अगर मेरे को आप पूछेंगे इसमें से दस में से कितने स्टार दूंगा ट्रेड को तो दस में से मैं तीन या चार स्टार दूंगा मतलब कि रेटिंग इतना अच्छा आइडल सेटअप नहीं ओके आ, ओके बाकी क्वेश्चन देखते हैं आ, अर्जुन सिंह सर मैं एल मैंने पांच लॉट से ट्रेड ली है और मेरा पहला टारगेट हिट हो गया है और मैं और अब उसी ट्रेड को जीरो लोड से कम कम करना चाहता हूं तो कैसे पॉसिबल है देखिए वो डिपेंड करता है कि ब्रोकर आपको नेटिंग अलाउड करे अगर आपने बाय किया है और फिर आप छोटे छोटे सेल करके उसको अलाउड कर दें या तो फिर आप छोटे छोटे लोड लें पॉइंट जीरो वन वन के लिए तो उस तरीके से आप आउट हो सकते हैं नहीं तो फिर आप ब्रोकर देखिए क्या एफ्टी फाइव में आपका नेटिंग का ऑप्शन इनेबल है अगर ब्रोकर अलाउ करता है तो आप पार्सल उसमें से ये आउट हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके नितिन यस, बिकॉज सपोर्ट इज हेयर आप यूएसडी के लिए पूछ रहे होंगे मेरे ख्याल से या मुझे नहीं पता। रेसिस्टेंस पे बाई करें अखिलेश वर्मा सर ओजी कैड में सेल बन रहा है पांच मिनट में ओजी कैड में ओजी कैड में देख सकते हैं पांच मिनट में सेल ओके यहां पर फिर आप काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए देखेंगे ओ जी कैड में अखिलेश अगर आप यहाँ पर इसमें सेल के लिए देख रहे हैं अभी क्या ट्रेंड क्या है आपका बाकी लोग मुझे बताइए ट्रेंड क्या है आपका ओजी कैड में ट्रेंड बताइए ओजी कैड में ट्रेंड अप है या डाउन है पांच मिनट में अप 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 तो यहां पर फिर अगर आप इसमें ट्रे, ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं फिर आप यहां पर काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग देख रहे हैं काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग क्या आपका ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो चुका है अभी नहीं आपको कोई इंडिकेटर जिसकी सहायता से आप उसको देखना चाहते हैं और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं जैसे ये नहीं की एक दो कैंडल नीचे आ रही है सपोर्ट के पास रेसिस्टेंस के बाद आप इसको देख सकते हैं कर सकते हैं पर डिपेंड करता है कि आप काउंटर टेंट ट्रेडिंग करना चाहते हैं नहीं तो पहली रिक्वायरमेंट तो है कि आप काउंटर टेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर तो हाँ आप इसको कर सकते हैं नहीं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको देख सकते हैं पीयूष सर आपने यस मैंने डिपॉजिट के लिए बोला था एक्सेस में आ, पर आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो कल या परसों तक मैं ट्रैवलिंग कर रहा था पीयूष तो आज नहीं हो पाया सॉरी उसके लिए तो मुझे कल या परसों तक बताइए मैं आपको परसों तक आपका डिपॉजिट करा दूंगा ठीक है सर विच इज वेरी लेस वोलाइटल इन मेजर करेंसी लेस वोलेटल तो कह नहीं सकते पर मैं कहूँगा कि मेजर पेयर्स में ट्रेड कीजिए इसमें आपके स्ट्रक्चर अच्छे फॉलो होते हैं जैसे कि आप यूरोस डी दे लें जी बी पी यू एस डी ओ जी यूएस डी इसमें स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से फॉलो होते हैं आप उनको ट्रेड कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए यू यूरोस डी में भी आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे पर देखिए मार्केट पूरी तरीके से उसको रिवर्स करके ऊपर जा रही है पर ट्रेड अभी भी

तो उस ट्रेड को वो मैं ले चुका हूं अभी के लिए अगर मैं किसी पेयर में देखू चलिए हम स्कैन कर लेते हैं मैं वन आवर में गाइस तो यहां पर मैं देख रहा हूं अभी यूरो यूएसडी में हम अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं जीबीपी यूएसडी ऑज यूएसडी में नहीं है एनजीडी यूएसडी में भी नहीं है यूएसडी स्विस फ्रैंक अगर मैं जस्ट एक क्लियर स्कैन से देख रहा हूँ अगर मुझे कुछ आइडल सेटअप एकदम से मिलता है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ तो मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं है कि मुझे ज्यादा टाइम देखने की जरूरत है रैंक में अभी नहीं है ओके ओके गाइज तो यहां पर अगर मैं देखना चाहूंगा मैं ओजी एनजीडी में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा ठीक है तो आप देखें एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउनफॉल हुआ मार्केट में और यहाँ से मार्केट ये दोबारा से ऊपर जा रही है है आप देखें ठीक पर हम एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहे हैं स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहे हैं कहाँ पर आ चुके हैं एक सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पर मार्केट एक बार रिजेक्ट कर चुकी है दोबारा से इसी लेवल में आ चुके हैं यहाँ पर अब यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले इस एरिया में स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए

तो आपको 1.5 की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है तो बिटकॉइन को आप इस तरीके से कर सकते हैं कैट फ्रैंक अभी कुछ नहीं है कैट जैपनीजियन अभी भी कुछ नहीं है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अभी नहीं कहूंगा स्विस फ्रैंक जैपनीजियन भी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं और यूरोजी नहीं है यूरो कैड यूरोड में भी डाउटफुल है वो यही है, है कि कितना पर क्वालिटी वाइज मैं देखना चाहूँ तो ब, बाई के लिए देखूंगा यूरोड और यूरो यूएसडी में भी दोनों में भी अगर मैं इस टाइम पर तो बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा टारगेट प्रॉफिट मेरा रेसिस्टेंस के पास होगा जो आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है इस लेवल के आसपास तो अगर यूरो यूएसडी और यूरोड में मेरे को देखना होगा तो मैं इसमें इस टाइम इस पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा यूरोसिस अभी कुछ नहीं यूरो uh, जीबीपी देखिए एकदम से पूरा स्ट्रेंथ के साथ गया तो अभी तो ये निकल चुके हैं वो कहे ना ट्रेन निकल चुकी है यूरो जीपी वाई अभी कुछ नहीं ये यहाँ पर अभी सेम है जी बी पी अभी कुछ नहीं है जी बी पी कैड जी बी पी कैड में गाइज वेट कीजिएगा कल तक अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले इस लेवल के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं आप टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर लगाएं और स्टॉप लॉस इस लेवल पर यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं तो ये लेवल आपका होना चाहिए अगर यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो जीबीपी कैट में भी आप इस तरीके से देख सकते हैं जीबीपी स्विश अभी कुछ नहीं है जीबीपी जेपी में बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं आप तो जीपीपी जेपीवाई में अगर यहाँ पर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है डायरेक्ट प्रॉफिट यहाँ पर लें स्टॉप लॉस इस सपोर्ट uh, एरिया को यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके नीचे लगाए ओके तो जीबीपी जेपीवाई मैंने आपको दे दिया यूरो कैड एक दे दिया बिटकॉइन एक दे दिया तीसरा चौथा एक और दिया था आपको ओजी एनजेडी पांच ये कुछ नहीं है एनजेडी कैड में भी अभी कुछ नहीं है एनजेडी स्विश फ्रेंक लेट हो चुका है सिल्वर लेट हो चुका है यू के ऑयल में शॉर्ट कर लीजिएगा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्योंकि अभी ये चैनल के अंदर यहाँ पर मार्केट मूव कर रही है कहाँ तक जा सकती है इस लेवल के आसपास का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं तो ये पेयर है जो आप देख सकते हैं स्टीवन आई होप कुछ तो क्लियर कर पाया होंगे आपके यहाँ पर आंसर में और जो सेटअप अगर मैं इस टाइम पर एक ग्लांस में देख सकता हूँ जो उसके बाद मेरी एनालिसिस भी चाहिए होगी इसको तो ये पांच छह पेयर जैसे मैंने देखा पांच छह सेटअप हैं जो मैं ऑब्जर्व किए हैं अब इन पांच छह पेयर को फिर मेरे को डिटेल में देखना होगा क्या मेरी स्ट्रैटेजी है किसके हिसाब से मुझे यहाँ पर अब इसमें ट्रेड देखने होंगे ओके स्टीवन करेंसी मीटर को अच्छे से समझ जा दीजिए करेंसी मीटर प्रियांशु इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है एक नहीं बल्कि दो बनाए उनको देख लीजिए ठीक है हाँ जी और जी स्ट्रॉग है सर ये हो चुके हैं क्वेश्चन टिकमिल मार्केट ब्रोकर देविंद्र अगर टिकमिल से रिलेटेड कोई इश्यू आता है मुझे बताइए स्क्रीनशॉट के साथ मैं मैनेजमेंट को सीधा कंप्लेन करूंगा वहाँ पर मैं उनसे अच्छे से पूरी तरीके से टच में हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई इशू आए वहां पर ठीक है सर कैंडल हाई ब्रेक करके क्लोज देता है तो बाय कर सकते हैं क्या कर सकते हैं वो डिपेंड करता है देखिए हर एक मैं जस्ट पर शॉर्ट आंसर नहीं नहीं दे पाऊंगा जब तक डिटेल कैंडल कैंडल के के बेस पे के लिए अगर आप कैंडल बेस पे ट्रेड करना चाहते हैं दो वेबिनार की किस तरीके से वहां पर मैं कैंडल के बेस पे ट्रेडिंग करता हूं तो वो आप देख सकते हैं सर आपका फेवरेट करेंसी पेयर कौन सा है देखिए दस पंद्रह बीस पेयर ले लीजिए इतने बहुत है उसके बेस पे किसी में भी जिसमें भी आपको सेटअप मिले आप ये नहीं कि दो पैर पकड़ लिए उनसे शादी हो गई ऐसा कुछ नहीं है कि मैरिज होगी मेरे को बिल्कुल इसी के साथ रहना है कि ये मेरी वाइफ है अब इससे पूरी जिंदगी इसके साथ ही गुजारनी है ठीक है यहाँ पर आपके पास इतनी चॉइस है आज आपको कहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे बता ये बताइए आपको एक चीज को करने में कम से कम तीन चार घंटे लग रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाना है दूसरी चीज आपके सामने पड़ी है और जस्ट उठाना है और उसको ले लेना है तो फिर आप इजी देखेंगे ना आप यानी कि रोज ही उसी के लिए जाएंगे वो दे रहा है नहीं दे रहा ठीक है ना तो जहां पर आपको ईजी मिले उसमें से देखिए सेटअप किसी भी पेड़ में मिल सकते हैं ठीक है स्टीवन थैंक यू सर टाइम समटाइम आर एस आई डाइवर्जेंस आर नॉट वर्किंग नितिन समटाइम डाइवर्जेंस आर एस के बेस पे जैसे पूरा उसके बेस पे ट्रेड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर भी आज मैंने जो यूरो जीबीपी का ट्रेड दिखाया था आर एस आई सेकेंड कन्फर्मेशन के लिए देखा था पहला जो मेरा था कि यहाँ पर आपकी ट्रेंड लाइन वहां पर ब्रोक ब्रेक होनी चाहिए वो हुई वो रसिस्टेंस के पास हुई उसके बाद आर एस आई में भी डाइवर्जेंस मिली और फिर ट्रेड लिया तो वो एक कन्फर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं ओके okay? विशाल ओके नितिन वाइफ यस तो गलत मत समझिएगा जो वाइफ वाला एग्जांपल दिया ऐसा कुछ नहीं है आपके पास इतने पेयर्स हैं इतनी चॉइस है ठीक है ना तो आप जो जिसमें आज अच्छा सेटअप मिले आप उसको ट्रेड लें रेदर देन कि मुझे यूरो यूएसडी में ही आज लेना है खोद के निकालना है चाहे भले ही उसमें ट्रेड सेटअप मिले या ना मिले फिर तो फिर आप मार्केट से फाइट वाली बात हो जाती शुरू हो जाती है ठीक है ओके okay और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट्स या और कोई सेटअप आप देख रहे हैं मैंने आपको बता दिए पांच छह पेयर्स में अगर आपको नहीं मिलेगा जब यूट्यूब पर आएगा आप इसको देख लीजिएगा दोबारा से जो बताया मैंने अब आता है क्वेश्चन देवेंद्र सिंह का अगेन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी अबाउट फोर्टी परसेंट फेल होती है डेफिनेटली हर चीज पूरी तरीके से हंड्रेड परसेंट काम नहीं करेगी है ना कोई भी चीज हंड्रेड परसेंट काम नहीं करती कोहली आपका सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसने क्या सभी मैचों में उसने रन बनाए होंगे वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा सभी मैचों में तो वो भी नहीं चला होगा ठीक है तो ऐसा कुछ चीज नहीं है जो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट काम करेगी कुछ ऐसी चीज नहीं बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे आप ये है कि आपका एज क्या है ठीक है आपका एज कितना है अगर आप दस में से पांच या छह या साठ ट्रेड प्रॉफिट में ले जा पा रहे हैं मैं कहता हूं बहुत है आपका एज इतना अच्छा है क्रिकेट में कहें फिफ्टी सिक्सटी परसेंट जिसकी एवरेज बहुत रेडली होती है इतनी अच्छी एवरेज हो जाए बहुत गजब का खिलाड़ी मानते हैं उसको है ना आपके दस में से पांच छह ट्रेड छह या सात हो जाए और भी मैं कहूंगा कि आप बहुत ही क्वालिटी के ट्रेडर हैं ठीक है थीके? सर जीबीपी स्विस फ्रैंक वन आवर फ्लैग पैटर्न जीबीपी स्विस फ्रैंक में फ्लैग पैटर्न कौन से वन आवर में आप देख रहे हैं अब आप शोट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या फिर बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं फ्लैग पैटर्न था अब डाउन जा रहा है अब कहाँ फ्लैग बन रहा है अब नहीं दिख रहा है मुझे अजीत शर्मा जी तो अजीत शर्मा आपको मैं बता चुका हूँ ओके निफ्टी फिफ्टी नॉट ट्रेड सभी ब्रोकर नहीं देते हैं देखिए सभी ब्रोकर की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस रहती है कोई ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं कोई ब्रोकर नहीं प्रोवाइड करते हैं अगर आपको निफ्टी फिफ्टी को ही ट्रेड करना है तो देख लीजिए जिस ब्रोकर में आपको मिल रहा है ठीक है मैं उसको रेज कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो मैं इस क्वेश्चन को रेज कर सकता हूँ अगर वहां पर आपको निफ्टी फिफ्टी नहीं मिल रहा है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी गेम ऑफ थ्रोन बिल्कुल ठीक है नीतीश आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए ताकि इजीली कनेक्ट हो सके सॉल्यूशन ले सके फॉर एनी डिपॉजिट विद्रोल देखिए डिपॉजिट विदड्रॉल के लिए ईमेल में मैंने आपको बोला हुआ है और इंस्टाग्राम पर भी व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा तो गैज फिर मेरी तो ट्रेडिंग हो गई मेरी ट्रेडिंग तो समझ लीजिए उसका क्या कहें राम नाम सत्या हो जाएगा ठीक है मुझे भी करना है और उसके लिए फिर आपको काम माइंड कूल माइंड होना चाहिए ठीक है अगर मैं मैसेज ही पूरे दिन रिप्लाई करता रहूंगा तो फिर मेरी ट्रेडिंग भी नहीं हो पाएगी ठीक है उसके लिए मैंने एक आपको अलग चैनल दिया हुआ है आप ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए थोड़ा स्लो रिप्लाई मिलेगा पर आपको रिप्लाई मिलेगा इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई मिलेगा पर मिलेगा ठीक है उससे मेरा भी इम्पेक्ट ना हो नहीं तो फिर मैं पूरे दिन मैसेज ही रिप्लाई करता रहा हूँ मैं फिर वो आप किसी चीज पे अगर इस तरीके से लगे रहेंगे फिर आपको ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट जाएगा तो ट्रेडिंग के लिए मैं आपको भी कहूंगा जब भी आप ट्रेडिंग करें कूल माइंड से कहीं किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन ना हो और कोई चीज आपको बोदर ना कर रही हो नहीं तो फिर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुली नहीं हो पाएंगे काम माइंड क्लियर होना चाहिए जहां पर भी आप ट्रेडिंग करते हो और आपको कोई एक या दो घंटे विच इज द बेस्ट सेशन फॉर इंटरडे काफी क्वेश्चन मैं मिस कर गया हूं तो यहां पर चैट काफी फास्ट चल रही है ठीक है मैं जस्ट दोबारा से आके देख लेता हूं अगर मिस कर गया तो माफ कीजिएगा <laughs> सेलेस सेलेस का क्वेश्चन विच इज द बेस्ट सेशन फॉर ए इंटरडे विद लेस वॉलिटिलिटी देखिए बेस्ट सेशन तो यही है कि जब आप लंदन सेशन में ट्रेड करें वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं तो न्यूज़ को देख लीजिए कि न्यूज ना आए और जब मार्केट ओपन हो जाए उसके बाद 10-15 मिनट उसके बाद आप ट्रेड कीजिए तो जो मार्केट एकदम से ओपन होती है उसके बाद थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है तो वेट कीजिए जब मार्केट ओपन हो जाए दस पंद्रह बीस मिनट उसके बाद फिर आप ट्रेड करेंगे और कोशिश कीजिए उस टाइम पर न्यूज ना हो तो यूएस मार्केट जब ओपन होनी हो और आपकी

सर स्टॉक मार्केट का जैसे प्रीवियस कैंडल डे क्लोजिंग होता है फॉरेक्स मार्केट में रेड मेरे को नहीं पता कि आप स्टॉक से फॉरेक्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं या फिर जैसे स्टॉक में क्लोज होता है फॉरेक्स में भी क्लोज होता है फॉरेक्स में भी डेफिनेटली क्लोज होता है तो आप यहाँ पर अगर देखें जीबीपी सी फ्रैंक तो डेली की कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रही है तो डेफिनेटली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं तो इस चीज को रेफर कर सकते हैं उसका भी इम्पैक्ट आता है सर एक दिन में कितने ट्रेड्स मैक्सिमम आप लेते हैं डिपेंड करता है स्कैल्पिंग में काफी हो सकते हैं इंटरडे में एक दो स्विंग में तो पूरे हफ्ते में दो तीन तो स्विंग में आपको ज्यादा ट्रेड नहीं चाहिए पूरे हफ्ते में एक या दो तीन इंटरडे के लिए एक या दो मैक्सिमम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो चार पांच ट्रेड उस सेशन में हो सकते हैं कैट जेपीवाई ट्रेड कैंडल में सेल का मौका मिल रहा है कैट जेपीवाई में सेल का कैंड मौका मिल रहा है ले लीजिए देखिए अभी कैट जेपीवाई में क्या हुआ है फोर आवर वन आवर अभी मार्केट देखिए अब अगर ये ब्रेकआउट मिलता है आपको इस जगह पर फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस लेवल को ये ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाता है तो ठीक है फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इसमें क्योंकि क्या है अभी जैपनीज यन आपका पूरी तरीके से वीक है और यहां पर कैड ऊपर की तरफ जा रहा है जैपनीज यन उसको पूरा नीचे तक ड्रैग लेके जाए वो मैं नहीं कहूँगा कि हो सकता है जब यहां पर देखें पूरी तरीके से वीक चल रहा है तो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको रिजल्ट मिले उसमें थोड़ा यहाँ पर डाउट रहेगा ओके प्रियांशु आ, सर कैंडल हाई ब्रेक करके क्लोज देता है तो बाई कर सकते हैं कर सकते हैं कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है इंडिया में कौन सा टाइम बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए इंडिया में टाइम बेस्ट जो मैंने बताया वही लंदन और यूएस सेशन है जब आप साढ़े बारह बजे या डेढ़ बजे साढ़े बारह बजे से दो ढाई बजे तक दोपहर में कर सकते हैं अगर आपके पास दिन में टाइम है नहीं तो फिर शाम के टाइम पर आप देख सकते हैं छह बजे के बाद छह बजे से लेके आठ नौ दस बजे के आसपास तक आप ट्रेड कर सकते हैं विशाल ये आपका क्वेश्चन काफी बार आ चुका है नाइट में कोई सेशन अगर मेरा हुआ तो डेफिनेटली आपको मैं जरूर बताऊंगा ठीक है अभी मेरे जो क्लासेस हैं वो सभी मॉर्निंग में ही होती हैं वो संडे को मॉर्निंग में होती है इवनिंग में अभी मेरी कोई क्लासेस नहीं होती हैं तो अगर हुआ तो मैं जरूर डेफिनेटली बताऊंगा सर आपके माय फॉरेक्स फंड का अकाउंट का ट्रेड का रिव्यू वीडियो और अकाउंट का स्टेटस क्या है ओके okay. वो भी बना दूंगा जल्दी जल्दी वीडियो के लिए ठीक है और स्कैल्पिंग व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम सुटेबल अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है सेलर्स तो मिनट, मिनट इसमें देख सकते हैं डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी कितना कितना इमोशन आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो पांच मिनट एक मिनट इनको आप देख सकते हैं मैक्सिमम पंद्रह मिनट भी भी जा सकते हैं देखिए स्कैल्पिंग में जर्नल मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप नितिन क्योंकि यहां पर आप बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं यहां पर फिर आपका टारगेट होता है कि मेरा दिन का अगर मैं लूज करूंगा तो मैक्सिमम मैं सौ डॉलर दो सौ डॉलर इससे ज्यादा लूज नहीं करूंगा और मेरा टारगेट ये है कि सौ डेढ़ सौ मिल जाए और आप उससे आउट हो जाए ठीक है वो टारगेट है क्या आपने उसको मेंटेन किया ये आपके लिए एक जर्नल है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मिस्टेक है और फिर उस तरीके से आप उसको जर्नल करेंगे क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग में दस पंद्रह बीस ट्रेड ले गए उनको डेली में नहीं कर पाएंगे आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो स्कैल्पिंग के लिए आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर कोई वेबसाइट बताइए जो हम पूरा इकोनॉमिक रिलेटेड एंड फॉरेक्स रिलेटेड न्यूज को देख सके लाइक सी एन बी सी देखिए न्यूज में आप देखते रहेंगे तो न्यूज पे जब तक पूरी डिटेल आएगी आपको पता भी नहीं चल पाएगा ठीक है तो बहुत सारी वेबसाइट है देखिए जो भी आपको फॉलो करनी हुई है मैं न्यूज को नहीं कहूंगा कि आप पूरी तरीके से डिटेल में जाए क्योंकि मैंने बोला हुआ है दस पंद्रह मिनट का ही जो रहता है बाकी तो मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करती है वो बस वो केवल वॉलीडिलिटी और एक डायरेक्शन अगर मिलनी हो वो न्यूज के बाद हमको मिल जाती है सलेस कैन यू प्लीज ऑन स्कैल्पिंग देखिए जब टाइम मिलेगा मैं कर पाऊंगा जस्ट <laughs> एकदम से मैं आपको नहीं किया आप प्रॉमिस कर दूं कि अभी कर पाऊंगा क्यू या ए में भी क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर कुछ हो ओके प्लीज डू द दिसिस ये हो चुका है सर मैं स्टॉप लॉस लिए वेट करता हूँ लेकिन प्रॉफिट में जल्दी निकलता हूँ मेरी सहायता करें शायद एटलीस्ट मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि आप ट्रेड लेने के बाद अपना एनालिसिस करने के बाद स्टॉप लॉस लगाने के बाद टारगेट प्रॉफिट लगाने के बाद ट्रेड को नहीं देखेंगे दो घंटे तक ठीक है फिर आप निकल भी नहीं सकते कुछ चाहे कुछ भी हो जाए या अगर लैप मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल में सिर्फ ऐप डिलीट कर दीजिए लैपटॉप पे आ जाइए लैपटॉप में उसको बंद कर दीजिए फिर दो तीन घंटे अपना कुछ काम फिक्स कीजिए ताकि आपको उसको देखना ना पड़े या फिर अपने जो रिस्क है उसको बहुत कम कर दीजिए क्योंकि क्या होगा मैं आपको यहाँ पर एक जस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा सबकी अपी अपनी अलग अलग होगी अगर मैं आज किसी ट्रेड में हजार डॉलर का रिस्क लगा रहा हूँ ठीक है और दो हजार डॉलर का टारगेट प्रॉफिट रख रहा हूँ तो क्या आप बार बार ट्रेड को देखेंगे जब आपके अगेंस्ट में वो जाना शुरू कर देगा डॉलर का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है आपने मुझे बताइए है ना हनुमंत नितिन बार बार देखेंगे भी हजार डॉलर कम से कम आपके ए, सत्तर अस्सी हजार रुपए आपके रिस्क पे लगे हुए हैं अगर वो जाएंगे तो पूरे उड़ जाएंगे तो फिर फिर आप बार बार उसको देखेंगे है ना कि ट्रेड क्या हुआ कहाँ गया दिमाग फट जाएगा जो भी है जो भी आपने बोला ठीक है ना तो उससे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फिर आप कूल माइंड से वहां पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अब मैं आपको बोलूँ की सबके लिए अब मैं आपको कहूँ की आपने उसी ट्रेड में चार या पांच डॉलर का रिस्क लगा दिया तो क्या आप वही सेम इंटेंशन या टेंशन या जो भी कहें उसी तरीके से उसको बार बार देखना चाहिए या कहेंगे चलिए चार पांच डॉलर ही जाएंगे अगर गए तो गए कोई प्रॉब्लम पड़ती है नहीं ना स्टीवन नो बाकी भी कहें हाया नामे जवाब दीजिए नौ नितिन नौ तो वही अब आपको ये इस लेवल पे आना होगा कि मेरे लिए कौन सा लेवल है जो कंफर्टेबल है अगर मैं लूज कर दू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अखिलेश आपके लिए इश्यू यही है कि आप जो अमाउंट आपने लगाई है आपके लिए बहुत बड़ी है क्योंकि आप तभी आप इसको बार बार लेना चाहते हैं स्टॉप लॉस तो करके आउट होना चाहते हैं या टारगेट तो, प्रॉफिट जल्दी ले लेते हैं ठीक है आप कहें कि मैं छोटा रिस्क लगा दू जिससे आपको लगे कि लूज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर आप उसको बार बार देखेंगे भी नहीं सीधा सिंपल आप अपनी देखिए इसके लिए मैं आपको सीधा सिंपल एग्जाम्पल देता हूं रात को ट्रेड लगाइए ठीक है अगर आपको अच्छे से नींद आ रही है आपको बार बार उस ट्रेड के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो वो आपकी रिस्क कैपीटाइट अगर आप उसको बार बार सोच रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए अगर आपने पचास डॉलर का लगाया उसको चालीस कर दीजिए चालीस से तीस बीस जहां पर आपको लगे कि अगर ये लूज हो जाए कोई इशू नहीं है वो आपकी रिस्क कैपीटाइट है एज़ पर रिस्क बीबी हाई लो होता है डेफिनेटली आपका माइंड करन, करना बेकार हो जाता है आप एक दंगे पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं अगर आप काफ़ी इश्यूज जा आ जाते हैं हेल्थ इश्यू आ जाते हैं अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो ठीक है काफी लोगों को मैंने देखा है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ओके थैंक्स थैंक्स अखिलेश आई होप आपका आंसर कर पाया ओके okay, कैश हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है मैं दो या तीन मिनट और लूंगा जो भी क्वेश्चन हो सर एट कैप अकाउंट ओपनशिप पर वहां पर इंडिया लो, लोकल डिपॉजिट मेथड नहीं है आ, दो ही ब्रोकर हैं जहां पर इंडिया जो मैं, ब्रोकर मैंने सजेस्ट किए हैं जहां पर इंडिया के लिए नहीं है तो आईसी मार्केट है और ये बाकी सभी में है तो अगर आपको इंडिया डिपॉजिट चाहिए तो वो करना होगा नहीं तो फिर जो उस एट कैप के लिए जो वीडियो बनाया वहां पर कैसे करना है डिपॉजिट विड ड्रॉल वो वाले मेथड यूज कीजिए जो वहां पर बताए हुए हैं ओके okay. तो यहां पर ये क्वेश्चन सभी हो चुके हैं और कोई क्वेश्चन देख रहा हूं मैं अगर कोई और क्वेश्चन तो नेटिंग क्या होती है देवेंद्र नेटिंग क्या होती है कभी कभी जैसे अगर हैजिंग क्या होती है जैसे अभी अगर नॉर्मली ट्रेड लेते हैं तो आपने दस पंद्रह ट्रेड ले लिए वन लोड टू लोड तो आपको आउट होना पड़ेगा आप यानी कि बाई सेल सेम टाइम पे कर सकें अगर आपने बाय लगाया और सेल कर दिया तो वो उस ऑर्डर को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो वो अगर आपको एडजस्ट करना हो तो उसके लिए फिर नेटिंग आपको होनी और वो कोई -कोई ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं कैंडल कर है, तो कर स्टिक के ऊपर वेबिनार बनाया हुआ है तो आप फिर उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे बाय करके बाय करना है फिर आप कर सकते हैं न्यू इन टिकल्पेयर आंसर टू दिस क्वेश्चन सेलेस uh, यहाँ पर आप देखिए अगर आप इंटरडे ट्रेनिंग करते हैं स्कैल्पिंग करते हैं तो टिक मिल में कमीशन जो है बहुत ही लो लेवल पे है किसी भी ब्रोकर से आप जाइए कमीशन लेवल को देखिए कंपेयर करिए प्रो लेवल का जो अकाउंट है इनका जो कि दो डॉलर का कमीशन है बाकी ब्रोकर से देखिए एक्सनेस नहीं मैं किसी से भी कह रहा हूँ कमीशन को चेक कीजिए ठीक है वहां पर देखिएगा यहाँ पर इशू क्या है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं फिर मैं नहीं कहूंगा फिर पर इंटरडे के लिए बहुत अच्छा है आप इसको यूज कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन जस्ट हम इसको देख लेते हैं क्या वन आवर में जो यूरो यूएसडी का ट्रेड था आप उसको ले पाए या फिर वो स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ होगा तो यहाँ पर आप देखिए वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और जैसे मैंने सॉरी वन आवर में बताया अगर मैं इसको यूरो यूएसडी में लेना होगा तो मैं बाई के लिए देखूंगा डेफिनेटली इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा तो मिनट में क्या तो तो गाइज पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा हमारा टाइम यहाँ पर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पर आंसर नहीं कर पाया मैं आप मेरे यूट्यूब पर जब ये वीडियो जाएगा आप वहां पर लिख सकते हैं ताकि मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर सकूं और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे ईमेल में मैंने बताया हुआ है आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर सैलरी डॉट इंडिया एट द रेट जी मेल डॉट कॉम या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जो चैनल है वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं जो वेबसाइट पर लिंक है वहीं से मुझे कांटेक्ट कीजिए या फिर जो वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से कॉन्टैक्ट कीजिए अकाउंट खोलना है किसी ब्रोकर में सभी के लिंक वीडियोज में दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में आपको अगर मेरी मेंबरशिप में खोलना है कोई इशू आता है जैसे डिपोजिट डोल के लिए भी काफी लोग पूछ रहे थे तो टाइम टू टाइम मैं वो भी करवाता रहता हूँ अगर कोई इशू आता